हेलो विधायक जी नमस्कार, पत्रकार बात कर रहा था सुरेश शर्मा जी। विधायक जी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी मिल रही है कि भूमाफियों के खिलाफ जो अभियान चला हुआ उसमें आप खुद गिरफ्तारी करवा रहे हो भूमाफियों की, क्या अधिकारियों को डर है भूमाफियों से, वो क्यों नहीं कर रहे इस काम को? अरे भाई ऐसा नहीं है जी, अधिकारी अपने एसी कमरे हैं उनके बाहर निकलेंगे तो उनमें प्रदूषण लग जाएगा जी, तो उनकी उनकी रक्षा करना, उनको बढ़िया माहौल देना भी तो हमारा ही काम है ना जी। तो अधिकारी बढ़िया कमरे में रहे, उनको बढ़िया परफ्यूम हो जी, शाम को वो शॉपिंग करने जाएं, अपनी पत्नियों के साथ बढ़िया पार्टी करें, ये तो काम है उनका, दिन भर जनता को लूटे तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा जनता ने हमें बनाया है तो हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हम लोगों से ही तो जवाबदेही मांगी जाएगी, कल को इतिहास लिखा जाएगा महाराज। तो विधायक जी कहीं ना कहीं भाई संरक्षण नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हैं जी, तो लोग आप हमसे सवाल करेंगे, अधिकारी अब है कल चले जाएंगे जी, तो नुकाजेबाज तो जो अधिकारी आता है वो सोच के आता है कि यहाँ मौज करेंगे, लूटेंगे, यहाँ के जो लोग हैं नुकाजेबाज नोएडा के मेरठ के लोग जो बेचारे, इनको आराम से लूटो, इनका फर्जी मुकदमे लगाओ, जमीन कब्जा कराओ, यानी आओ पैसा कमाओ, कोई गरीब आदमी एप्लीकेशन लेके खड़ा रहे, तो ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो परंपरा चली आ रही है, ये उसी को निभा रहे हैं, लेकिन करना है, मैं लगातार ये गिरफ्तार भी हो रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी, इतने बेशरम है कि आज मैं मेरा मन बहुत खराब है, इनका दिमाग जो है इतना दिमाग खराब हो गया है, लगातार एविडेंस के बावजूद जी, लगातार सबूत देने के बावजूद जब दिमाग खराब है, मेरा डीएम को भी चिट्ठी लिखी है जी, तो कार्रवाई करेंगे आप। तो विधायक जी कहीं ना कहीं संरक्षण है इन लोगों को, अधिकारियों कहीं ना कहीं संरक्षण है, कहीं ना कहीं दबाव में है, भूमाफियों को भी कहीं ना कहीं संरक्षण है, किसी की हिम्मत है? एक दीवार इनकी मर्जी के बिना नहीं खड़े कर सकते, सिपाही खड़ा हो जाएगा, आप कहाँ है, आप कौन सी दुनिया में बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, सिपाही बनने के लिए लगातार दौड़ लगाता है, एक्सरसाइज करता है, भगवान की पूजा करता है कि मेरी नौकरी लग जाए जी, और नौकरी लगने के बाद वो सोचता है एक व्यक्ति 5,000 रुपए में 12 घंटे नौकरी कर रहा है जी, और इनको जो है 1-1 लाख तक सैलरी मिल रही है 50,000 से लेके 1 लाख तक जी, और उसके बाद ये फिर उसके बाद लगता है कि और लोगों को लूटें तो डाकू बन जाते हैं, तो ये व्यवस्था जो चल रही है, उम्मीद है हमें मुख्यमंत्री शायद सुनेंगे इसमें कुछ ना कुछ, इसमें छोड़ेंगे नहीं जी। आप कार्रवाइयां ऐसी करते रहते हैं, ऐसी आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है, फिर भी कार्रवाई नहीं करता, आप ही जाके गिरफ्तारी करवाते हैं, और आपकी ही सरकार में कोई बात नहीं है, वो सरकार तो हमारी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब हम विधायक है तो हमारी ड्यूटी है, हम वो कर रहे हैं जी, हम छोड़ेंगे नहीं ना किसी को भी, अधिकारियों को भी हम देखते हैं भाई, जब वो क्या बताए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अप्रोच लेके गाजियाबाद में आता ही है, सब अब तुम जानते हो क्या बेकार की बात में ध्यान देना है, लेकिन मैं खुद जो है जो होगा देखा जाएगा, हम कहीं ना कहीं संरक्षण तो मिल रहा है भूमाफियों को, हम देने देंगे क्या, हम कमजोर है क्या, हम कायर है क्या, हम ठीक कर देंगे जूते मार के, हम कमजोर नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो, हम देखेंगे अपने आप, परेशान ना हो, अधिकारियों को आवाज उठानी पड़ी सर, अरे भाई अधिकारी अधिकारी को समझते क्या आप, ये सब लोग अधिकारी थोड़ी है, जो आदमी दिनदार ईमानदारी से काम करते थे, ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, अब डीएम को जो है, डीएम जो है ईमानदार है जी, अब ये नीच अधिकारी है, उनका भी वो काला खत घूम रहे हैं, तो इनको तो शर्म तो है नहीं, सबसे ज्यादा पैसा ही नहीं चाहिए, अब देखेंगे हम करेंगे, ठीक है ना, आप चिंता ना करो, ठीक है विधायक, हाँ ठीक, हाँ।